हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अपूर्वा और मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट कि आपको समझे कि कौन से अमेज़ॉन प्राइम पे अच्छे वाले मूवीज़ हैं। मुझे भी ऐसा कभी कभी लगता है ना कि अरे मैं कौन सी मूवीज़ देखूँ या कौन सी वेब सीरीज़ देखूँ, मुझे नहीं समझता और मुझे हमेशा जाना पड़ता है गूगल पे और देखना पड़ता है कोई स्पेसिफिक मूवी का, और हम लोग ऐसे अच्छे अच्छे मूवीज़ भी मिस करते हैं समहाउ। तो वो मूवी जो मैंने देखे है इस लॉकडाउन पीरियड में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप यू विल एन्जॉय दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना इस वीडियो को और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प हो जाए इस वीडियो से। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो ये मूवीज़ मैंने अमेजोन प्राइम पे देखी है। मैं सेकेंड पार्ट करूँगी जिसमें मैं नेटफ्लिक्स के मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ बताऊँगी आप सबको। सो आज तो मैं अमेजोन प्राइम की ही बताऊँगी और जो भी मूवीज़ है जो भी मुझे अच्छे लगे वो मैं आपके साथ सिर्फ शेयर करूँगी। और ये सारे मूवीज़ मिक्स जॉनर के हैं, कोई मूवीज़ है हॉरर का, कोई मूवीज़ है रोमांटिक मूवी, कोई है फैंटेसी, कोई है एक्शन। सो मेरे मूड पर डिपेंड रहता था कि कौन सी मूवी आज मैं देखूँ या क्या देखूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ हॉरर टाइप हॉरर काइंड ऑफ मूवीज़ अच्छे लगते या मुझे सिर्फ रोमांटिक मूवीज़ अच्छे लगते। सो मेरा मूड पे डिपेंड रहता है। सो आई होप मैं जो भी आपके साथ मूवी शेयर करूँगी वो भी आपको अच्छे लगेंगे। एंड या सो फर्स्ट मूवी इज़ द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। सो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इसके थ्री पार्ट्स है, ये फिल्म सीरीज़ है। फर्स्ट पार्ट है द फेलोशिप ऑफ द रिंग, सेकेंड पार्ट है द टू टावर्स, थर्ड पार्ट है द रिटर्न ऑफ द किंग। ये मूवीज़ काफ़ी बड़े हैं, 3 आवर्स का एक पार्ट है, बट ये मूवीज़ बहुत अच्छे हैं। हर साल में एक एक मूवी आया था, 2002, 2003, 2004 ऐसे कुछ था। ये मूवी का जो जॉनर है एक्शन एडवेंचर एंड फैंटेसी, काफ़ी सुंदर मूवी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मुझे फर्स्ट पार्ट तो बहुत अच्छा लगा बाकी पार्ट से, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये मूवी देखना अगर यू आर अ फैन ऑफ सच काइंड ऑफ मूवी जिसमें मैजिक है, एडवेंचर है, फैंटेसी है। तो ये मूवी आप देख सकते हो अमेज़न प्राइम पे। तीनों पार्ट्स काफ़ी अच्छे लगे मुझे, क्योंकि एक पार्ट देखने के बाद आपको लगेगा अरे सेकेंड पार्ट भी देखूँ, सेकेंड पार्ट देखने के बाद आपको लगेगा थर्ड पार्ट भी देख लूँ। सो या हाईली रिकमेंडेड दिस मूवी टू यू गाइज। लेट्स मूव टू द सेकेंड वन। सो द सेकेंड मूवी इज़ द अनइनवाइटेड। तो ये है हॉरर जॉनर की एंड ये अमेरिकन फिल्म है। ये मूवी रीमेक बनी है साउथ कोरियन मूवी द टेल ऑफ टू सिस्टर्स इस मूवी की। तो वो मूवी मैंने एक्चुअली नहीं देखी है बट उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं और सेम कॉपी किया है ये मूवी अनइनवाइटेड। इसके रिव्यूज़ आपको इतने अच्छे नहीं लगेंगे अगर आपने गूगल पे देखा तो, बट पर्सनली ये मूवी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। जो ट्विस्ट दिया है लास्ट में, जो प्लॉट है मूवी का, डरावनी भी है, एक्चुअली डर लगता है मूवी देखने में, और लास्ट में जो ट्विस्ट है वो बहुत अमेजिंग है। मतलब यू वुड बी लाइक हाँ ये कैसे हो गया। तो ऐसे काइंड ऑफ की मूवी है, तो काफ़ी अच्छा स्टोरी है इस मूवी का। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आप हॉरर फिल्म के फ़ैन हो तो ये मूवी ज़रूर देखना। मूविंग टू द थर्ड मूवी पैरासाइट, 2019 ऑस्कर विनिंग मूवी है। तो आप गेस कर सकते हो ये मूवी कितनी अच्छी होगी। ये भी साउथ कोरियन मूवी है एंड द मूवी इज़ मतलब मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊँगी, इतनी अच्छी मूवी है। द डायरेक्शन, द एक्टिंग, द प्लॉट, यू नो एवरीथिंग इन दिस मूवी ना इज़ अमेजिंग। ये मूवी का जॉनर है ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर। आई मीन आप जब देखोगे ना, और इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऑस्कर मूवीज़ जो भी जीतते हैं वो मूवीज़ उसमें से कुछ हमें यू नो लेसन या लर्निंग मिलती है, तो वैसे ही ये टाइप की भी मूवी है। डोंट मिस दिस मूवी, ओके। ये मूवी आप फर्स्ट अभी मेरा वीडियो होने के बाद भी अगर देखा, अगर आप फ्री हो तो भी चलेगा, बट ये मूवी आप ज़रूर देखना। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आपको सबटाइटल के साथ देखना पड़ेगा ऑफकोर्स बिकॉज इट्स अ कोरियन मूवी, बट या हाईली रिकमेंडेड दैट मूवी। मूविंग टू द फोर्थ मूवी on Amazon, which is Bridget Jones' Diary. It's British-American movie and ये काफ़ी पुरानी है, 2000 की है, yes. इसमें Hugh Grant है, I love that actor, he is amazing. ये है romantic comedy movie, it will make you go like oh that's so romantic, it is like that, but I think I
इसके भी रिव्यूज़ गूगल पे बहुत अच्छे हैं, 7 के आसपास है IMDb रिव्यूज़। इसके रॉटन टमाटोज पे भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ है। सो गाइज, अगर आप बहुत फ़ैन हो कॉमेडी या रोमांटिक कॉमेडी मूवी के, तो आप ज़रूर देखना ये मूवी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच इज़ नॉटिंग हिल। अगेन द एक्टर इज़ जूलिया रॉबर्ट एंड ह्यूग ग्रांट। बोथ एक्टर्स आर फैब्यूलस, बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत लाइट वेट मूवी है। ऑफकोर्स ये अगेन रोमांटिक कॉमेडी मूवी है, बट इसका जो स्टोरी लाइन है, इनकी जो एक्टिंग है दोनों एक्टर्स की, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इम्प्रेसिव है। सो अगर आपको देखना है ये मूवी, तो अमेजॉन प्राइम पे आप ज़रूर देखना। इफ़ यू आर फैन ऑफ रोमांटिक मूवी, आई विल रिकमेंड बोथ ऑफ दीज फिल्म्स, नॉटिंग हिल एंड ब्रिजेट्स जॉन डायरी। उसके भी 3 पार्ट्स है, सीरीज़ है ब्रिजेट्स जॉन की, वो मैंने नहीं देखी, मैंने फर्स्ट ही देखा है, बट फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आई थिंक 6th मूवी, विच इज़ रोजमेरीज बेबी। या रोजमेरी बेबी ये 1968 की मूवी है। इसके आप अगर गूगल पे रिव्यू देखोगे तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। मैंने ऑफकोर्स रिव्यूज़ नहीं देखे थे, मैंने डायरेक्टली वॉच किया, क्योंकि मुझे उस दिन हॉरर मूवी देखने का मन कर रहा था, तो मैंने ये मूवी देख ली, साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म। इसमें ऐसे कुछ स्केरी जंप्स वगैरह आप नहीं देख पाओगे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे एक्सपेक्ट करोगे अभी भूत आएगा, बट वैसा नहीं होगा। बट ये मूवी एक्चुअली में डरावनी है, काफ़ी अच्छी मूवी है। इसके 8 वगैरह कुछ IMDb रिव्यूज़ है। इसके रॉटन टमेटोज 90% के अबाव है। सो इट्स क्वाइट गुड। बहुत स्लो है, आई मीन इट्स नॉट स्लो, बट यू नो यू एक्सपेक्ट कि अभी कुछ होगा, तो वैसा नहीं होता, ये थोड़ा स्लो जाएगा। इसमें एक्टिंग भी काफ़ी अच्छे है, जो लीड एक्टर एक्ट्रेस है वो बहुत अच्छे एक्टिंग की है। और बहुत पुरानी मूवी है, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन 1968 की मूवी है, बट हाईली रिकमेंडेड, सो मस्ट वॉच गाइड्स। सो द नेक्स्ट, दैट इज 7th मूवी, इज द गर्ल नेक्स्ट डोर। ये मैंने ऐसे ही, मुझे इच्छा हो रही थी कुछ रोमांटिक और कॉमेडी मूवी देखने में, तो मैंने ये मूवी देखी। तो इसके रिव्यूज़ अगेन गूगल रॉटन टमेटोज पे इतने अच्छे नहीं है, IMDb 6 वगैरह होंगे इसके। ये मूवी डिपेंड्स एक्चुअली, किसी को अच्छी लगेगी किसी को अच्छी नहीं लगेगी। मैंने अमेजॉन प्राइम पे जब देखी तब मुझे अच्छी लगी पर्सनली, ये मूवी ने मुझे पकड़ के रखा। यू नो ऐसा होता है ना, ऐसे बोर नहीं होता, लगता नहीं आपको थोड़ा फॉरवर्ड करे या स्किप करे या एग्जिट करे, वैसा मुझे लगा नहीं। काफ़ी एंटरटेनिंग मूवी थी। इसमें जो एक्ट्रेस है, जो लीड एक्ट्रेस है, वो बहुत प्रिटी है। अगेन अमेरिकन रोमांटिक मूवी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच इज़ द लॉज, 8th मूवी द लॉज। इट्स साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी। ये अभी रिसेंटली रिलीज हुई है 2017 और 18। द मूवी इज़ फैंटास्टिक, आई मस्ट, इट्स साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी। ये भी इसमें ज़्यादा लोग नहीं है, एज इन बहुत ड्रामा नहीं है, ज़्यादा जंप स्केयर्स एंड ऑल कुछ नहीं है, बट एक्चुअली डरावनी है। इसका भी प्लॉट बहुत अच्छा है, एंड में काफ़ी अच्छा ट्विस्ट है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बट आप ज़रूर देखना। इसका भी रिव्यूज़ अच्छे हैं, गूगल पे अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। एंड ओवरऑल द मूवी इज़ फैंटास्टिक, मतलब बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच इज़ फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम। सो द जॉनर इज़ फैंटसी ऑफकोर्स, एंड इट इज़ रिटन बाय J.K. रोलिंग। ये हैरी पॉटर का प्रिक्वल है। तो ये मूवी मुझे इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स है, तीन पार्ट्स है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट देखा है, बट फर्स्ट पार्ट देखने के बाद मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैं सेकंड पार्ट भी देखूं। तो बट अगर आप गूगल पे देखोगे तो गूगल पे बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं इस मूवी के लिए, बट मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगी। बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आपने हैरी पॉटर के साथ कंपेयर किया फैंटास्टिक बीस्ट को, तो इतनी अच्छी नहीं है। बट अगर आपने हैरी पॉटर देखी नहीं है, आई एम अज्यूमिंग कि आपने देखी है हैरी पॉटर, इसलिए मैं वैसे रिव्यू दे रही हूँ कि अगर उसके कंपेयर से आप अगर देखा जाए तो फैंटास्टिक बीस्ट इतनी अच्छी नहीं है। बट अगर आपने हैरी पॉटर नहीं देखी और आपको बहुत फैंटेसी एंड मैजिक उसके अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर ये मूवी देखना, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि पर्सनली ये मैंने मूवी इंक्लूड इसलिए की क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगा, बट मैंने सारी मैं कंपेयर कर रही थी, इसलिए मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। बट अदरवाइज ओके, ये सारे थे मूवीज एंड फिल्म सीरीज थे। अभी मैं जाऊंगी इस पे, किस पे? सो अभी मैं जाऊंगी वेब सीरीज। तो वेब सीरीज जो है मैंने देखी है अमेजोन प्राइम पे, वो है द बिग बैंग थ्योरी। गाइज, यू हैव टू वॉच बिग बैंग थ्योरी, इट्स
अमेजिंग. इट्स कॉमेडी सिटकॉम बट इसके टोटल 12 सीजन्स है. हर एक सीज़न में अराउंड 20-23 एपिसोड्स है. काफ़ी अच्छी मूवी है. फ्रेंड्स के बाद मुझे कुछ अच्छी मूवी लगी होगी कॉमेडी सिटकॉम में, सो दैट वुड बी बिग बैंग थ्योरी. और आप अगर आपको देखना है गूगल पे रिव्यूज़ एक बार चेक करना, बट ट्रस्ट मी गाइज आपको बहुत अच्छा लगेगा ये मूवी. ये भी फ्रेंड्स जैसा ही है, जैसे तीन मेल फ्रेंड्स एंड थ्री फीमेल फ्रेंड्स रहते हैं. काफ़ी अच्छी स्टोरी है, बहुत एंटरटेनिंग है, अच्छी कॉमेडी है, अच्छा डायरेक्शन है, अच्छा एक्टर है. सो अगर आप कुछ अच्छी वेब सीरीज़ देखना चाहते हो, अमेरिकन वेब सीरीज़, तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस बिग बैंग थियरी टू यू गाइज. अभी मैंने देखे है थ्री साउथ इंडियन मूवीज़. द फर्स्ट मूवी है डियर कॉमरेड. काफ़ी अच्छी मूवी है, बहुत बड़ी मूवी है, बट इफ़ यू आर अ साउथ इंडियन मूवी के फ़ैन तो आपको बहुत अच्छी लगेगी ये फिल्म. इसमें देवरकोंडा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो एक्टर. सो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस मूवी, यू नो, इफ़ यू लव वॉचिंग साउथ इंडियन मूवीज़, बिकॉज आई पर्सनली लव वॉचिंग इट, सो दैट्स वाई आई रिकमेंड इट. सो डियर कॉमरेड. द सेकेंड वन इज़ गीता गोविंदम, अगेन सेम एक्टर देवरकोंडा है, तो वो भी काफ़ी अच्छी मूवी है. दोनों में आई थिंक एक्टर एक्ट्रेस दोनों में सेम ही है. दोनों मूवी इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप देखना, सब टाइटल्स के साथ ही देखना पड़ेगा ऑफकोर्स आपको. थर्ड मूवी इज़ हेलन. हेलन के रिव्यूज़ ऐसे न्यूट्रल थे, बट पर्सनली मुझे हेलन मूवी, ये भी साउथ इंडियन मूवी ही है, एक लड़की के ऊपर है हेलन, बट ऐसा है ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे, अब क्या होगा, ओ शिट, अब क्या होगा, अब क्या होगा, लाइक यू आर एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग विच दैट गर्ल इज़ एक्सपीरियंसिंग. सो जब ऐसा कुछ होता है ना, तब एक्चुअली वो मूवी अच्छी रहती है, यू नो. तो येस, आई वुड रिकमेंड दैट मूवी टू, बिकॉज दैट मूवी इज़ अमेजिंग. तो प्लीज़ वॉच इट गाइज. थोड़ी लंबी है, क्योंकि साउथ इंडियन मूवीज़ ऐसे भी थोड़े लंबे ही रहते हैं, बट यू वुड लव इट इफ़ यू आर अगेन फैन ऑफ सच काइंड ऑफ मूवीज. देन मैंने देखे है दो हिंदी वेब सीरीज. फर्स्ट इज पंचायत, हाईली रिकमेंडेड. पंचायत इज अमेजिंग. मतलब मुझे पहले लगा ही नहीं था मैं पंचायत देखूंगी, मुझे ऐसा लगा था यार थोड़ा पकाऊ टाइप होगा. एक तो मैं इतनी फैन नहीं हूँ हिंदी वेब सीरीज की, बट देन आई डोंट नो, आई थॉट कि चलो देख लेते, कुछ नहीं था तो मैंने सोचा चलो देख लेते, इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं तो देख लेती हूँ. द वेब सीरीज़ इज़ अमेजिंग. जो लीड एक्टर है उन्होंने इतना अच्छा काम किया, एक्चुअली सब ने अच्छा काम किया है. और पता है ये मूवी में ना एक्चुअली हंसी आने जैसी डायलॉग्स है, तो मुझे अच्छा लगा वो. एक्चुअली मैं बहुत हंसी. प्लीज़ वॉच इट गाइज. और उसका स्ट्रगल जो वो करता है, वो लड़का जो मेन लीड है, वो उसका स्ट्रगल देखने को मज़ा आता है. वो गांव के सारे लोगों का जो बात करने का स्टाइल है, कैसे रहते हैं वो लोग, सारा उसमें दिया है. तो काफ़ी एंटरटेनिंग मूवी है, आप फैमिली शो है, फैमिली के साथ देख सकते हो. बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है वो, सो हाईली रिकमेंडेड. देन द नेक्स्ट इज़ ब्रीद. ओ माई गॉड, ब्रीद मैंने देखा नहीं था. जब सेकंड सीज़न आया अभिषेक बच्चन वाला, तब मैंने सोचा पहले फर्स्ट देख लूँ फिर सेकंड देखती हूँ. तो फर्स्ट माधवन का है, तो ब्रीद फर्स्ट सीज़न इज़ अमेजिंग. आई मीन देखो, मैंने जो भी मुझे अच्छे लगे ना, वही मैं बता रही हूँ आपको, वही रिकमेंड कर रही हूँ. इसलिए सारे मूवीज़ को मैं अमेजिंग या बहुत अच्छी यही बोलूँगी, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ दैट. बट ब्रीद सीज़न वन इज़ अमेजिंग. सीज़न टू मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट. बट हाँ, ट्विस्ट अच्छा है, प्लॉट अच्छा है, एक्टिंग भी अच्छी है. सिर्फ मुझे ये प्रॉब्लम लगा कि बहुत स्लो है. मतलब अगर 5 एपिसोड में ये ख़त्म हो सकता था, बट 7th या 8th एपिसोड्स लगे सेकेंड सीज़न ख़त्म, मतलब सेकेंड सीज़न का मैं बात कर रही हूँ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा. मुझे सच में, मतलब लिटरली बीच बीच में मुझे फॉरवर्ड करने की इच्छा हुई, और मैंने किया भी फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत स्लो था. बट अदरवाइज एक्टिंग इज़ अमेजिंग. एंड फर्स्ट का जो मैं बोल रही थी, माधवन की एक्टिंग तो काफ़ी अच्छी है, आप सबको पता ही है. और उसका प्लॉट, उसका डायरेक्शन बहुत अच्छा है. एंड अमित जो एक्टर है, जो इंस्पेक्टर के रोल में है, बहुत अच्छे दिखते भी है और बहुत अच्छी एक्टिंग भी की है उन्होंने. सेकेंड सीज़न में उतना उनको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया जितना फर्स्ट में किया था. फर्स्ट में ज़्यादा फोकस्ड थे वो, फर्स्ट सीज़न में. बट सेकंड में इतना नहीं उन पे फोकस दिया है, ज़्यादा फोकस अभिषेक पे दिया है. बट अदरवाइज़ फर्स्ट सीज़न आई विल ज़्यादा प्रेफर
देन टू, तो आप फर्स्ट भी देखा आपने तो भी चलेगा, फर्स्ट मस्ट वॉच है, सेकेंड नहीं भी देखा तो ठीक है, देखा तो भी अच्छा है, इट्स अपॉन योर चॉइस. सो या गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो. अगर कुछ भी आपको, अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर कुछ भी आपको इस वीडियो के वजह से हेल्प हुई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कमेंट कि आपने इसमें से कौन सी मूवी या कौन सी वेब सीरीज आपने ऑलरेडी देखी है एंड विच मूवी यू आर एक्साइटेड टू वॉच फ्रॉम दिस गिवन लिस्ट. सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.